ज्ञापन आपने आज दिया। आज मैं हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स, प्रतिनिधि मंडल, हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पार्टी के पदाधिकारी और गोभक्त, आज हम माननीय महामहिम राज्यपाल हरियाणा कप्तान सिंह सोलंकी जी से मिलकर अभी सारे साथी आए हैं। मुद्दे तो तमाम हैं, अनंत हैं, हर वर्ग आज दुखी है। किसानों को लेकर के भी लगातार हमारा आंदोलन जारी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था वो भी बिगड़ चुकी है, उस पर भी सब लोग सड़कों पर हैं, जीएसटी है, दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं हैं। पर आज जो मुख्य विषय है ये तो हमने सरसरे तौर पे उनसे चर्चा करी प्रदेश की राजनीति के बारे में, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो 35वां दिन है आज। संत बाबा गोपालदास जी गोचरान भूमि को लेकर के, गौ माता को लेकर के, गरीब को लेकर के, वो जिस तरीके से अनशन पे बैठे हैं, ज़बरदस्ती उनको कई बार स्वास्थ्य जब बिगड़ा है तो उनको लेके भी गए, उनको किस तरीके से अंडे का प्रोटीन खिलाया गया वो भी बातें आप सब ने सुनी होंगी। अपने तरीके से वो जो लड़ाई लड़ सकते हैं, और मैं इस बात को बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ कि बाबा संत गोपालदास जी वो एक सच्चाई में एक ट्रूली सेंट हैं, एक महात्मा हैं, और उन्होंने जिस कोज के लिए लड़ाई लड़ी है वो कांग्रेस के समय में भी धरने पे बैठे थे, करीबन 150 दिन से ऊपर उस समय धरना था। आज 35वां उनका दिन है, हालात उनकी नाजुक है, और इसीलिए हमने महामहिम राज्यपाल जी के इस पूरे मामले में दखल की हमने उनसे अपील करी है। और किस तरीके से ज़मीनों के ऊपर, गोचरान ज़मीनों के ऊपर कब्जे हैं, किस तरीके से उसका दुरुपयोग हो रहा है वो सारा हमने बहुत विस्तार से बताया, और किस तरीके से वो पूरा मामला लिंक है गौ संरक्षण से लेकर के उसके संवर्धन और उसको नस्ल बचाने से लेकर के, वो सारा डिटेल में हमने उसकी कॉपी भी दी है, जो उन्होंने खून से एक लेटर लिखा है, प्रधानमंत्री को लिखा, राष्ट्रपति को लिखा, और जो भी जिनको उपयुक्त उन्होंने समझा उनको लिखा है, सारे उसमें उनमें संज्ञान में लेकर के आए हैं कि किस तरीके से जो गोचरान भूमि है उससे 3,000 करोड़ रुपए का सालाना रिवेन्यू, क्योंकि वो पट्टे पे ज़मीन दी हुई है, कृषि के लिए है, किसी और पर्पज़ के लिए दी हुई है, 3,000 करोड़ में से केवल उसका 1000वां प्रतिशत यानी कि 3 करोड़ वो केवल गौओं के लिए वो निकालते हैं, और वो भी सही तरीके से खर्च नहीं होता। तो ये हमने पूरे मामले सारे रखे, किस तरीके से गौ विकास बोर्ड होना चाहिए, गोचरान भूमि का संरक्षण होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनके सामने रखी। और खुशी की बात ये है कि उन्होंने पूरे मामले को बहुत गंभीरता के साथ सुना, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इस मुद्दे को लेकर के वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे, जो कंसर्न मंत्री हैं उनसे बात करेंगे, और इसका एक स्थायी समाधान निकले हरियाणा के अंदर कम से कम, उसकी वो पूरी पहल करेंगे। और हमने उनको रिक्वेस्ट भी करी है, क्योंकि आज संत जी ने जो अल्टीमेटम 3 दिन का दिया था उसकी भी आखिरी तारीख है, वो जैसा भी कदम उठाएंगे कांग्रेस पार्टी, हम सारे साथी उनके साथ हैं जो भी कदम उठाएं। और इसके साथ साथ 8 तारीख को हम सब लोग वहाँ पर जा कर के, मैं और हमारे पूरे साथी सारी कांग्रेस वहाँ जा कर के उनके समर्थन में हम भी अनशन शुरू करेंगे, और आगे की रणनीति की जो भी, जैसे किसान पंचायत देखिए, किसान पंचायत तो रोज़ हो रही है, और हम सारे ही लोग किसान के हितैषी हैं, खेतिहर मजदूर के हितैषी हैं, लेकिन एक संत की तबीयत बहुत ख़राब है, नाजुक है, और उनके समर्थन में 35वें दिन, और उस दिन तो 37वां दिन हो जाएगा, तो आज हमारी मीटिंग है बाबू जगजीवन राम को श्रद्धांजलि देने के लिए, पुण्यतिथि आज उनकी है, हम सब लोग आए हैं, और इसके बाद आगे का हम भी अपनी चर्चा करेंगे, और 8 तारीख को सारे लोग जा कर के अनशन पर बैठ कर के संत गोपालदास जी का समर्थन करेंगे। इस बीच में महामहिम जी ने तो आश्वासन दिया है, लेकिन कुछ कानूनी दाव पेच होते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी दखलंदाजी से, उनके इंटरवेंशन से इसका समाधान निकलेगा, और संत जी को हम इस बात के लिए कन्विंस कर पाएंगे कि वो अनशन तोड़ करके आगे का मार्गदर्शन करें, गौओं की, गरीब की,
गोचरान की लड़ाई को आगे बढ़ाने का। तंवर साहब, एक ऐसा ही अनशन जो है पिछली सरकार के वक्त भी किया था और तब भी उनका अनशन तोड़वा दिया गया था, तो आप मानते हैं कि पिछली सरकारों का ये एक स्टेप नहीं उठाया जिसका ये क्रम यहाँ पर चला रहा है? देखिए वो तो आप का टीवी देखते ही मैं समझ जाता हूँ कि सवाल आपका वैसा ही होगा, माफ़ करना साथी। लेकिन हम संत जी से खुद मिले थे और ये बात आपने ठीक कही, मैंने इसलिए कहा कि वो एक ट्रू संत हैं इस मामले में, सच्चाई में वो गौ की लड़ाई लड़ते हैं, वो ये नहीं देखते कि कौन सी पार्टी की सरकार है किसकी नहीं है। और उन्होंने खुद इस बात को कहा कि पहले की सरकार के मुकाबले ये सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, ये उनका कहना है। जिस गंभीरता के साथ पहली सरकार ने सारे वायदे पूरे कर दिए ये उन्होंने भी नहीं कहा और ये हम भी नहीं मानते जो वो चाहते थे, लेकिन बहुत कुछ उनके हिसाब से उस समय की सरकार ने किया। वर्तमान सरकार भी अगर कर देती है तो वो अनशन से उठ जाएंगे, हम सरकार का धन्यवाद करेंगे, गौओं की रक्षा हो जाएगी। मीरा कुमार जी 9 तारीख को आएंगी और हरियाणा कांग्रेस सभी साथियों के साथ उनका स्वागत भी करेगी और उनको आश्वासन भी देगी कि हम जितनी हमारी संख्या है उससे ज़्यादा वोट डलवाने का हमारा प्रयास हरियाणा के अंदर उनको होगा और वो विजयश्री प्राप्त करें। क्योंकि अगर योग्यता की हम बात करें तो आज सबसे योग्य उम्मीदवार वो राष्ट्रपति पद के लिए हैं और हमें पता है कि विचारधारा की लड़ाई में, सिद्धांतों की लड़ाई में कठिनाई जरूर होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सफलता भी मिलती है। धन्यवाद।